साथियों, भारतीय संविधान की सीरीज में अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। चाहे हम भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की बात करें, मतलब हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं और जितना सिलेबस में है, मैंने पूरी भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और नोट्स के माध्यम से, और ये कोशिश करेंगे आप भी कि जो की पॉइंट बेहतर लगे उसे नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और साथ ही साथ जहाँ जरूरत पड़े इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इलानी विद दुर्गेश के नोट्स के माध्यम से ये सीरीज मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, इसको पढ़ने के बाद कभी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, भारतीय संविधान के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी वीडियो में जुड़िएगा और लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इलानी विद दुर्गेश के ऐप पर मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में आप सभी को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो भी मेरा समय बच जाता है उसमें आपके लिए छोटी सी एक पहल है। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में हम लोगों ने पहले पढ़ना है कि संविधान सभा की पहली बैठक। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें ये न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसमें जिसे अब हम संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से जानते हैं, वहाँ पर संपन्न होती है। इसके पहले अध्यक्ष जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, सिन्हा था, मतलब ये पहले थे और अस्थाई थे। उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी, ये प्राय परीक्षा में आपको नहीं मिलता लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है तो कुछ फैक्ट चीज़ आपको जाननी जरूरी है। इससे उपाध्यक्ष कौन था, एससी मुखर्जी जी इसके उपाध्यक्ष थे। 11 दिसंबर, इसके दो दिन के बाद, मानी बैठक सफल नहीं हो पाती है, फिर इसके दो दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति के साथ भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के लागू होने तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्य करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, नोट्स के आधार पढ़ा रहे ताकि तथ्य आपको सटीक और समय से मिल जाए। संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मिशन हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था लेकिन उसके बारे में अध्ययन नहीं किया था। अब यहां पर हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं किस मिशन क्या था। यह अप्रैल 1942, कहीं कहीं आपको 30 मार्च 1942 लिखता है, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। जो किस मिशन अप्रैल 1942 में भारत आता है, कब अप्रैल 1942 में भारत आता है, भारतीय नेताओं से बातचीत करने, उनसे समझौता करने और कुछ प्रस्ताव रखने के लिए क्रिप्स जो मिशन होता है वो भारत की तरफ आता है। प्रस्ताव में क्या क्या था, आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर जानते हैं। युद्धोपरांत, माने जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। माने क्या क्या प्रस्ताव था, जो क्रिप्स मिशन था 1942 का, उसमें क्या क्या चीज थी। तो पहला यह था कि युद्ध के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान के रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों के संविधान को स्वीकार करने या उन या स्वीकार करने या अपने अलग संविधान के निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। माने जो प्रांत थे, जो राज्य थे, जिसे आज हम राज्य कहते हैं, उस समय प्रांतों को संविधान स्वीकार करने, अपने लिए अलग संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। युद्ध के बाद भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, इसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, मतलब वो पूरी तरह से उपनिवेश होगा अपना देश, लेकिन युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। ये क्या था, ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में था। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता थी। अगर मुस्लिम लीग चाहे तो अलग राष्ट्र बना सकता है, चाहे भारत के साथ विलय कर सकता है, इसकी पूरी स्वतंत्रता क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो अप्रैल 1942 में भारत आता है उसमें पूरा जिक्र था कि जो मुस्लिम लीग है वो चाहे तो भारतीय संघ को स्वीकार कर ले या अलग रहने की स्वतंत्रता, चाहे वो अलग रह सकता है, जैसा कि आगे चलकर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के रूप में वो अलग रहने का फैसला करते हैं। आप लोग इतने टॉपिक की स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको इसकी
पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जो प्ले स्टोर पर है वहां से भी मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जो नए संविधान के निर्माण तक भारत के जो रक्षा का दायित्व तो होगा ये ब्रिटिश सरकार का होगा। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, जो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था, इसे बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसकी आलोचना किया। इसके पहले भी जो मैंने बताया था वहां पर थोड़ा सा एरर हो गया था, माने गांधी जी ने जो क्रिप्स मिशन को कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये आउटडेटेड चेक है, ये बाद की तिथि का चेक है, यह कहकर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महोदय ने इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी के शब्दों में कुछ और शब्द जोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। माने पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रॉसिंग बैंक, माने टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के शब्दों में कुछ शब्द और जोड़कर क्रिप्स मिशन के बारे में कहा। आइए क्रिप्स मिशन से जुड़ा कुछ अहम बिंदु, कुछ अहम टॉपिक पढ़ लेते हैं, जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, जहां सबके परीक्षा में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आइए ध्यान से देखते हैं कि यहां से क्या क्या सवाल आपके परीक्षा में बन सकते हैं। जैसे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे पहले कब आया, तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा आया। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया था ना, कि क्रिप्स मिशन जो था इसे मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार कर दिया, यह भी सवाल आपके मन में आता है। भारत विभाजन की मांग संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया, भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मार्च 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आते हैं, हम लोगों ने कैबिनेट मिशन 1946 पढ़ भी लिया है। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो पेंथिंग लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख थे। ये तीन लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भारत आते हैं, प्राय इसका अध्यक्ष पूछा जाता है, तो पेंथिंग लॉरेंस जो भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना के अध्यक्ष थे, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यहां से भी नाम परीक्षा में पूछा जाता है और मैं ये चाहूंगा इसे भी आप लोग याद कर लें, पढ़ लें, रट लें। अब हम और आगे चलते हैं। आगे है कि संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है, माने जो संविधान सभा है उस पर कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य के नियुक्ति किए जाने की प्रावधान था, तो उसका जो उत्तर आपको मिलेगा वो 10 लाख है। वो कितना था, वो 10 लाख था। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया, माने संविधान सभा का जो निर्वाचन था वो किस पद्धति से किया गया, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जुलाई 1946। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन से थे, यह सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है कि जो संविधान सभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे, तो सामान्य समुदाय था, मुस्लिम लीग और सिख। आगे मैं प्रश्न भी पूछूंगा आपसे कि किसमें कितने कितने सदस्य थे, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 389। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब हम और आगे चलते हैं आपके साथ मिलकर, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जहां जरूरत पड़े इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने पास। हमने देखा कि संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से निर्धारित किए गए।
इनकी कुल संख्या अगर हम यहाँ पे बात करें तो 292, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्री। तो 3 2 5 4 9 9 9 18 के 8 2 3, तो 389। अब हम लोग और आगे देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जनजाति की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 33, और महिला की संख्या 15 थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे इन महिलाओं के नाम भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन महिला सदस्य थी, लेकिन यहां पर ये जान लीजिएगा 15 महिला और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट होंगे, एक अभ्यर्थी होंगे और एक सरकारी नौकरी के हकदार होंगे, तो आपने देखा होगा ये पूरे नोट्स एक ऐसी सीरीज है जो आपको कम समय में बेहतर तैयारी करा दे रहे हैं, और यहां से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। मुस्लिम लीग जो था उसने क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की। एक छोटा सवाल है, अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने किया, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किसने किया? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे एलएनए पे दुर्गेश के एप्लीकेशन पर, जहां भी देख रहे हैं आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को, विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। क्या की जाती है? संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। इसके कुल 299 सदस्य थे जिनमें 70 रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितने? 70 रियासतों के जो प्रतिनिधि थी इनकी संख्या 299 थी। कितनी थी? 299 था। फिर हम लोगों ने देखा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। तो यहां तक हम लोगों ने जो भारतीय संविधान में कैबिनेट मिशन पढ़ लिया था, उसके साथ साथ थोड़ा सा कृष्ण मिशन क्या था उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। इसके बाद इसी टॉपिक में आपका जुड़ जाता है संविधान सभा के वाचन। आइए ध्यान से देखते हैं इस संविधान सभा के वाचन कब का। तीन वाचन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां से आपके सभी परीक्षा में सवाल आते हैं कि संविधान सभा के कितने वाचन हैं। तीन, पहला वाचन कब से कब हुआ? तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक भारतीय संविधान सभा का पहला वाचन होता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 अक्टूबर 1949 तक। तीन वाचन होते हैं। यहां पे एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो जितने भी साथी यहां तक इस वीडियो को देख लिए हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि संविधान सभा का सबसे बड़ा वाचन कौन सा था। ऑप्शन प्रथम वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, ऑल ऑफ दीज। अब हम और आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मैंने संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां गठन की, लेकिन इसमें 8 बड़ी समितियां थी। कितनी थी? 8 बड़ी समितियां थी और बाकी छोटी छोटी समितियां थी। तो हम ये प्रयास करते हैं उन 8 बड़ी समितियों को पढ़ लेते हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा, अपने सभी साथी मित्रों को पहुंचा दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते, खेत नहीं। समिति एक तरफ है, अध्यक्ष है। तो संघ समिति जो था इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए पटेल जी को और क्या क्या मिला था, परामर्शदाता समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के महत्व के क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों के लिए राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी कुछ चीजों के लिए मिलता है, मैं आगे बताऊंगा कि जेबी कृपलानी क्या चीज है, वहां से कैसे आपके लिए सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग इतने की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जितने लोग यहां तक वीडियो को देख लिए हैं। राज्य हितु समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आठ बड़ी समितियां भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए और अन्य छोटी समितियां हैं, यहीं से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, केवल एक बार नहीं है, कोई पहला मौका नहीं है। हम और आगे चलते हैं, आगे है आपके सामने कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे प्रमुख स्थान प्रारूप समिति का था। इस समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 किया गया था। माने संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे प्रमुख स्थान प्रारूप समिति का था। इस समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। आइए उन 7 सदस्य को पढ़ लेते हैं क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रायः एक सवाल पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या है प्रारूप समिति में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। माने यहां पे पूछता कितने सदस्य थे, तो 6+1 कुल कितने सदस्य थे, 7। एन गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलाद कृष्णा स्वामी अय्यर, एन माधवराव, यह बीएल मित्तल के स्थान पर आते हैं, टीटी कृष्णाचारी, 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उसके कारण इन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो यहां तक आपके परीक्षा में जो है ना सवाल पूछा जाता है। तो मैं चाहूंगा यहां तक की जो सीरीज थी वो आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिएगा, जो चीजें समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था वो कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1957 का, जम्मू कश्मीर का। तो उसके प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, मेरा सवाल आपसे है कि जम्मू कश्मीर का संविधान जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर के संविधान का के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या कितनी थी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर प्रदेश से श्वेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल, मानी 5 महिला भारतीय संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से थी। मध्य प्रदेश से राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू बिहार, हंसा जीवन राज मेहता बंबई, दुर्गाबाई देशमुख बंबई, दक्षायणी विलाध्यून मद्रास, अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, मालती चौधरी मद्रास, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, लीला राय पश्चिम बंगाल, एनी मार्शका ने पश्चिम बंगाल। ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा महिला सदस्य किस प्रांत से थे, तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। कुल 15 महिलाएं थी, कुल 15 थी लेकिन उत्तर प्रदेश से 5 महिला थी। यूपी से कितनी थी, यूपी से 5 महिला। दूसरा सवाल, संविधान पर कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में 15 थी लेकिन संविधान पर कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी लेकिन संविधान में कुल कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था, इसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वैसे हम जब एमसीक्यू सीरीज कराए हैं, जो आगे कराएंगे उनमें इसका जिक्र जरूर करेंगे। हम और आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे की पॉइंट है जहां सबके परीक्षा में सवाल आता है। देखिए इन सभी के जो नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम आज ही ज्वाइन करके रखिएगा, दुर्गेशर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, ई लर्निंग पर दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ सभी क्लास फ्री, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आप
अगर ये क्लास देख रहे हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट मार लेंगे, आपके पास एक बढ़िया और बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। संविधान सभा में विभिन्न समितियों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा किया और चर्चा करने के बाद प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान में प्रथम प्रारूप जारी किया। क्या किया? प्रथम प्रारूप जारी किया। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। माने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 को संपन्न होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न होती है और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना जाता है। यहां से सवाल आपके परीक्षा में आता है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। इसके निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा है। ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निशुल्क देशित में राष्ट्रित में उपलब्ध कराया जा रहा था। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इन लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और मेरी भी आईडी है इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज मेरा है दुर्गेश अशोक जायसवाल, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगली सीरीज में हम लेकर आएंगे भारतीय संविधान सभा की या भारतीय संविधान की अगली वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इंतजार करिएगा, बेल आइकन दबा रहिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और टेलीग्राम पर भी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।